बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर क्रिकेट जगत, यहाँ पर कोई भी खबर होती है तो वो आग की तरह फैल जाती है। अब चाहे वो अमिताभ बच्चन के घर में हुए कोरोना या काम बंद करने को लेकर खबर हो, या फिर वो खबर हो विराट कोहली के टेस्ट मैच की कप्तानी को छोड़ने की, यहाँ पर हर बार हर कोई खबर सोशल मीडिया पर अक्सर आग की तरह फैल जाती है और खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे किस्से सामने आते हैं। विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ दी। उनके फैसले के बाद और बीसीसीआई के इस्तीफा मंजूर करने के बाद विराट कोहली से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रही है। और ऐसे में विराट कोहली की उन दो गर्लफ्रेंड पर हुआ है खुलासा जिनके साथ विराट कोहली रिलेशनशिप में थे, और उनके साथ कुछ वक्त तक तो उनका रिलेशन चला था लेकिन बाद में ब्रेकअप होने के बाद अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। बता दें कि अभी इन्हीं दो गर्लफ्रेंड का सच हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। उन दो लड़कियों का सच आपको बताएंगे जिनके साथ विराट कोहली का बेहद ही खास रिश्ता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी कुछ ही महीनों में दोनों ही एक्ट्रेसेस के साथ विराट का रिश्ता टूट गया था। और रिश्ता टूटने की वजह क्या थी, किस वजह से विराट अलग हुए थे उनके साथ और कैसे रिश्ता जुड़ा था विराट कोहली का अनुष्का शर्मा के साथ, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर आई बेहद ही बड़ी खबर सामने। जी हां, विराट कोहली टेस्ट कैप्टनशी शॉकिंग न्यूज सामने आई है। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है, जिसके बाद कई सारे क्रिकेटर्स, कई सारे लोगों का रिएक्शन विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद सामने आ रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा का भी पहला रिएक्शन विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने पर आया है सामने। लेकिन इसी के साथ आज हम करेंगे खुलासा कि विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली की उन दो गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा हो रहा है जिनके साथ अनुष्का शर्मा से पहले विराट कोहली रिलेशनशिप में थे। कौन है वो लड़कियाँ, चलिए बताती हैं आपको। भाई ये गाना तो आप सब ने सुना होगा, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हाल रहा क्रिकेटर विराट कोहली का भी, जहां पर उन्होंने अनुष्का शर्मा से पहले दो ऐसी एक्ट्रेसेस को डेट किया था जिनके बाद प्यार करने के बाद विराट कोहली का दिल भी टूट गया था। बता दें कि टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ने के बाद ये खबर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें आप सबको कि जिस तरह सेलिब्रिटीज़ के प्यार की उनकी छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, ठीक वैसे ही क्रिकेटर्स की भी लाइफ अक्सर लाइमलाइट में रहती है। आपको बता दें कि जब अनुष्का के साथ बिगड़ते रिश्तों पर खबरें सामने आई थी अनुष्का और विराट के रिश्ते को लेकर, तो ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुष्का शर्मा से पहले भी विराट कोहली की ज़िंदगी में और दो गर्लफ्रेंड्स थी जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं गर्लफ्रेंड्स पर करेंगे खुलासा जो विराट कोहली की ज़िंदगी में आई थी। साल 2012 में विराट कोहली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को डेट करना शुरू किया था। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात सेल फोन के एक एडवर्टाइजमेंट के दौरान हुई थी। इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बेशक से लोग आज नहीं जानते, लेकिन उस दौरान एडवर्टाइजमेंट का ये वीडियो फैंस को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन जल्द ही दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था क्योंकि दोनों के रिश्ते के बीच दरार आ गई और कुछ ही महीनों में विराट कोहली और तमन्ना भाटिया का ब्रेकअप हो गया। इसी के साथ आई विराट कोहली की जिंदगी में इजाबेल लेटे। ब्राज़ील की खूबसूरत मॉडल और डायरेक्टर राज पुरोहित ने अपनी फिल्म 16 के लिए उन्हें साइन किया था, यानी कि इजाबेल लेटे को। इस दौरान वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सालों तक भारत में भी रही। प्रमोशन के दौरान बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टीज में उनकी विराट कोहली क्रिकेटर से मुलाकात हुई। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके कुछ वक्त बाद दोनों को सिंगापुर में डेटिंग करते हुए देखा गया। दोनों की लव स्टोरी इतनी दिलचस्प थी कि खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। आपको बता दें कि विराट कोहली की प्रेम कहानी बेशक ही हिट ना हो, लेकिन इजाबेल को भारत में पहचान जरूर मिल गई, जो कि उनकी फिल्म के लिए काफ़ी फायदेमंद रही। आपको बता दें कि ये रिश्ता भी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया। साल 2013 में ही इजाबेल और विराट कोहली का ब्रेकअप हो गया। इस रिश्ते के अंत के बाद विराट की मुलाकात एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई और विराट एक और नए रिलेशनशिप में अनुष्का शर्मा के साथ आ गए। अनुष्का और विराट की लव स्टोरी बेहद ही खास थी। जी हाँ, आपको बता दें कि
अनुष्का विराट की लव स्टोरी की शुरुआत भी एक एडवर्टाइजमेंट से ही हुई थी। इस 10 क्रिकेट इंडस्ट्री के जगत में आपको बता दें कि अनुष्का और विराट की लव स्टोरी की शुरुआत भी एक एडवर्टाइजमेंट से हुई थी। तो ये है पूरी खबर, जहां पर अनुष्का शर्मा से पहले किस तरह विराट कोहली की ज़िंदगी में तमन्ना भाटिया और इजाबेल आई थी और दोनों के साथ इनके डेट के किस्से भी शुरू हुए थे, लेकिन दोनों के साथ विराट का रिश्ता ख़त्म हो गया। और ये खबर एक बार फिर से विराट कोहली की कैप्टनसी, टेस्ट मैच की कैप्टनसी छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से तेज़ी से वायरल हो रही है। तो ये है पूरी खबर, अनुष्का शर्मा के पति विराट कोहली और कैप्टनसी छोड़ने वाले क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर, जहां पर लगातार सोशल मीडिया पर विराट कोहली को लेकर चर्चा हो रही है। हर कोई विराट कोहली से जुड़ी हर एक खबर जानना चाहता है और ऐसे में इसी तरह की विराट कोहली से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कैप्टनसी छोड़कर सही किया, क्या विराट कोहली का ये फैसला सही था, या फिर विराट कोहली के फैंस क्या कहना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स ही विराट कोहली का डिसीज़न सही है या गलत ये बता सकते हैं। जितना ज़्यादा परसेंटेज में विराट कोहली के सपोर्ट में या उनके सपोर्ट में ना होकर कमेंट्स आएंगे, इससे पता चल जाएगा कि विराट कोहली के फैंस आखिर विराट के इस फैसले से कितने खफा हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में भी विराट कोहली को लेकर कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, जिसके बारे में हम आपसे अगली रिपोर्ट में ज़रूर बात करेंगे। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट विराट कोहली को लेकर, जहां पर विराट कोहली की उन दो एक्ट्रेसेस पर किया खुलासा जिनके साथ विराट कोहली डेट कर रहे थे, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप था और जिनके साथ विराट कोहली अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद ये सपना विराट का पूरा ना हो सका और ऐसे में अनुष्का शर्मा ने थामा विराट का हाथ। फाइनली आज विराट और अनुष्का अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए बाय।